Hello students, uh, in today's lecture we will discuss about next cell organelle that is cell vacuoles. In the previous lecture we had studied about plasters and types of plasters. Now uh, vacuoles are another most important uh, cell organelles that helps in the storage of solids as well as liquids. Okay these are of different type gas vacuole food vacuole okay gas vacuole of course helps in the storage of gas food vacuole helps in the storage of food or digestion of food okay so if we compare vacuoles in both animal cell and plant cells we have already discussed in the previous lecture when we have studied about your plant cell and animal cell

और रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा रिजिडिटी मतलब एक हार्डनेस एक हार्डनेस प्रोवाइड रखना एक शेप प्रोवाइड रखना टर्जिडिटी मतलब एक प्रॉपर स्वेल्ड सेल हो ठीक है वो सब प्रोवाइड करना किसका काम है एक फूड वैक्यूल का काम है देन नेक्स्ट फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ अमीनो एसिड्स अमीनो एसिड्स क्या होते हैं ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स जो मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं लाइक like, एक आप बोलो एक माला को मोतियाँ बना मोती बनाते हैं बहुत सारे मोती मिलकर एक माला बनाते हैं ऐसे ही बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं प्रोटीन बनाते हैं ठीक है सेकेंड स्टोरेज ऑफ शुगर शुगर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स देन ऑर्गेनिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड्स जैसे हम बोलते हैं लाइक like, आप बोल सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ब्यूटैरिक एसिड्स हैं जो भी एसिड है दैट इज ऑर्गेनिक एसिड्स को स्टोर करने के लिए नेक्स्ट वन फॉर द स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स ठीक है तो इन सब का स्टोरेज कहाँ होता है सेल के अंदर ये सारी चीजें वैक्यूल्स के अंदर स्टोर होती हैं नेक्स्ट फंक्शन इज फॉर द एनगल्फमेंट एनगल्फमेंट मतलब खा जाना किसको खा जाना फूड को फूड को एनगल्फ अगर आप कंसीडर करो हेयर रफली आई हैव दिस अमीबा दैट इज यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसके पास वैक्यूल है फूड वैक्योल है दिस इज न्यूक्लियस दिस इज फीट जिसको हम बोलते हैं सीडोपोडिया फीट, पैर नहीं है बट पैर जैसा काम कर रहा है अब यहाँ पर खाना है पैरामी, अमीबा का तो ये जो है ये अंदर आएगा खाना ठीक है इसको सराउंड करेगा पहले खाने को इसकी जो मेम्ब्रीन है सराउंड करेगी सीडोपोडिया इस तरीके से घेर लेगी ठीक है अब ये खाना यहाँ पर आया इसके अंदर फूड वेक्ल यहाँ पर आ गया अंदर इस फूड वैक्ल के, के अंदर क्या है एंजाइम्स हैं कुछ प्रोटीन्स हैं जो उस फूड को क्या कर देंगे डाइजेस्ट कर देंगे अब डाइजेशन करने के बाद हमारे अंदर भी क्या होता है वेस्ट रिम वेस्ट होता है क्रिएट तो उस वेस्ट को भी निकालने का काम कौन करता है फूड वेक्यूल जो एक्सेस पानी है जैसे अमीबा है अमीबा के अंदर एक्सेस पानी है उस एक्सेस पानी को बाहर निकालना इस प्रोसेस से एक्सोसाइटोसिस ये भी किसका फंक्शन है फूड आपका सेल वैक्यूल का बाहर जब निकालेंगे एग्जोसाइटोसिस और जब अंदर कोई जाएगी चीज एंडोसाइटोसिस इट्स ऑल अबाउट योर वैक्यूल्स थैंक यू स्टूडेंट्स